Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I hope you will be doing good at home and you will be following your studies properly. As you know that we have done unit number one and unit number two. Now we are going to see unit number three of history section on page number twelve. This is the Ghoris. ठीक है और इसके बारे में पढ़ेंगे जैसे हमने last में देखा था कि बेवराम शाह ने जो है Ghoris के brother को kill किया था तो अब उसके आगे जो है फिर इन्होंने आके रिवेंज लिया और उसके बाद जो गजनी है वो उन्होंने हासिल कर लिया था ठीक है अब ये वही बता रहे हैं कि जब उन्होंने हासिल किया था तो उस वक्त क्या कर रहे थे कि उन्होंने जो है ये बहुत ज़्यादा मर्सीलेस अटैक किया था यानी कि कोई रहम नहीं खाया उन्होंने वहाँ के लोगों को मारा घरों को लूटा उन्होंने वहाँ पे जो है जितना भी है सारे को आग लगा दी इवन कि गज़नी जो है वो पूरा सेवन डेज़ तक जलता रहा था कुछ भी वहाँ पे बाकी नहीं रहा उस सिटी का तो बहराम शाह जो वहाँ का रूलर था वो फिर वहाँ से बाग के जो है लाहौर चला आया था और फिर उसके बाद जो है उसने वहीं पर अपना गज़नविद टेरेट्री स्टार्ट की थी ठीक है अपनी लाइफ जो बाकी उसने गुजारी वो इसी तरह गुजारी द ईयर एलेवन सी उसमें जो है अराइवल हुआ था गोरीस का इन इंडिया इट टैम अबाउट ट्वेंटी ईयर्स फ्राम द डाइवस्टेशन ठीक है ऐसे हुआ था कि गस्ती की जो स्ट्रेंथन थी वो फिर आगे फैलती रही ठीक है नेक्स्ट रूलर्स जो वहाँ पे आए थे वो अलाउद्दीन द्दीन एंड फाइनली शहाबुुद्दीन मोहम्मद ठीक है ये आए थे अब उसमें जो सबसे पावरफुल था फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सबसे वहाँ पे पावरफुल हो गए थे ऑल्सो नोन एज द मोहम्मद गौरी ठीक है ही वॉज द ब्रदर यंगर ब्रदर ऑफ़ गैजुद्दीन ठीक है वो छोटे ब्रदर थे एंड कमांडर ऑफ हिज आर्मी आर्मी के कमांडर अपने थे ठीक है उन्होंने क्या किया था उनको असाइन एक टास्क दिया गया था कि गौरी रूल को जो है उन्होंने स्प्रेड करना है बस तो वो उन्होंने यही कोशिश की थी के गजनी के जितने भी फोर्ट्रेसेस वग़ैरह हैं उसको और फतह किया कैप्चर कर दिया उनको और उनको रीबिल्ड करने की कोशिश की ताकि वो क्या हो सके गजावि रूल का जो है वो प्रॉपरली एरिया बन सके ठीक है कुतुबुद्दीन एबिक जो उनका एक स्लेव था टर्किश ओरिजिन में वो उनके साथ था उनको असिस्ट करता था उनके सारे अटैक्स में ठीक है गौरी वेटिन एंड कैप्चर मुल्तान इन 1175, से वो एटीन एटी टू में एंड फाइनली लाहौर इन एटीन एटी सिक्स ठीक है इसमें उन्होंने फिर गजनबैद रूल अपना वहाँ पे कायम किया हिज नेक्स्ट टारगेट वॉर टू कॉन्क्ट दिल्ली दिल्ली कॉन्क्ट करने की उन्होंने कोशिश की लेकिन वहाँ पे क्या था कि उनके पास एक मेजर चैलेंज मौजूद था पृथ्वी राज ठीक है जो कि वहाँ का अजमेर और दिल्ली का रूलर था तो वो बिल्कुल उनके ऑपोजिट था तो गौरी ने क्या किया था कि उनसे लड़ाई करने की कोशिश की तो फर्स्ट बैटल जब उन्होंने टेनिन लाहौर के करीब आ, किया था तो उसमें यह हुआ था कि ये हार गए थे ठीक है और जो पृथ्वी था वो जीत चुका था ठीक है ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जब ये फाइट कर रहे थे तो ये अपने घोड़े से घिर चुके थे और वहाँ पे लोगों ने यही अज्यूम किया था के शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है उनकी डेथ हो गई है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे जो उनका लॉयर एक सोल्जर था उन्होंने उसको सेफ्टी रीजंस के लिए उठा लिया वहाँ से और वहाँ से उसको ले गए फिर उसके बाद दोबारा इन्होंने जो है वो सेकंड ट्राई किया था और सेकंड ट्राई में क्या हुआ था कि सेकंड ट्राई में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो जीत चुके थे और उन्होंने पृथ्वीराज को जो है पृथ्वी को आ, मार दिया था ठीक है और उसके बाद जो है उन्होंने गौरी कंटिन्यूड एंड कॉन्क्यूर द सब कॉन्टिनें एंड स्टेंडर इज़ रूल ठीक है वो फिर दिल्ली भी उन्होंने जो है आ, एंटर हो चुके थे जब उन्होंने कैप्चर कर दिया था ये सब कुछ तो उसके बाद गौरी ने अपॉइंट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ गवर्नर ठीक है गवर्नर उसको बनाया और वेंट बैक टू गजनी इन ट्वेल्व जीरो फाइव सी ई ऑन हिज वे जब वो जा रहे थे तो आर्मी टर्कस जो वहाँ के मौजूद थे उन्होंने अटैक किया और कैप्चर हैं ठीक है र्यूमर्स ये आए थे कि वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी स्प्रेड आउट जाहिर है आपको पता है फिर र्यूमर्स है वो स्प्रेड आउट बहुत ईजीली वहाँ पर हो जाते हैं रिबेल्स एन आउट एन आउस्टेडिड गजनविद खजरू मालिक वॉज इंक्रेज फिर वो इंक्रेज हुआ वहाँ का जो किंग था ठीक है एंड स्प्रैंग बैंक इन टू एक्शन और वो फिर एक्शन में आ गया ठीक है अब वहां पे जो मिलिट्री टैक्टिक्स चल रहे थे गोरीस के उन्होंने क्या किया है दोबारा लड़ने की कोशिश की और दोबारा उन्होंने लाहौर हासिल कर लिया ठीक है पेज नंबर फोर्टीन इन 1206 मोहम्मद गौरी जो है वंस अगेन डिसाइडेड टू रिटर्न टू गजनी और वहाँ पे वहाँ जो है उनके रास्ते में जब वो जा रहे थे तो मोहम्मद गौरी वाज नॉट फेमस लेकिन एज uh, महमूद गजनवी जैसे महमूद गजनवी था लेकिन क्या था कि उनके uh, जितने कॉन्क्वेस्ट उन्होंने जितने फतह की थी उसका क्या था परमानेंट था वो मामूद से ठीक है महमूद का तो ये था कि वो uh, दूसरे लोग आके ले जाते थे लेकिन इनका ये था कि ये परमानेंटली था और इन्होंने जितना भी है फाउंडेशन जितनी भी बनाई थी वो सारी जो है वो सब की इनके पास ही मौजूद थी वहां की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी और जब गवर्नर एबेक ने छोड़ा था टेरिटरी किस वजह से ही बिकेम द द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तनेट ठीक है वो इसलिए सुल्तान बन चुके थे तभी उन्होंने टेरिटरी की जो है गवर्नर गवर्नर वाली सीट छोड़ दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फर्स्ट ऑफ द थर्टी फोर मुस्लिम किंग्स हु रूल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फिर जहरुद्दीन बाबर इन्वेंशन को उन्होंने जो है सबकॉन्टीनेंट में उन पे हकूमत की थी ठीक है डेट वॉज ऑल इसमें बहुत शॉर्ट सा और इसके बारे में बस बताया वह है इतना ही बताया कि शहाबुद्दीन के बारे में कि उन्होंने कौन से फतेह किया था और फिर उसके बाद जो है कौन आया था ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप आपको समझ आ गया होगा अल्लाह हाफिज़ टेक केयर